उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस पर जानलेवा हमले की घटना सामने आने से हड़कंप मच गया है। मामला कानपुर के श्यामनगर का है, जहां पारिवारिक विवाद की सूचना पर पुलिस पहुंची थी। यहां घर के अंदर से ही एक वृद्ध ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इस हमले में दारोगा हिमांशु त्यागी समेत 3 पुलिस वाले घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार कानपुर के श्यामनगर सी ब्लॉक निवासी राजकुमार दुबे अपनी पत्नी किरण दुबे, बड़े बेटे सिद्धार्थ, बहू भावना और दिव्यांग बेटी चांदनी के साथ रहते हैं। उनका छोटा बेटा राहुल और बहू जयश्री अलग रहती है। परिवार का कहना है कि राजकुमार मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं। वे बड़े बेटे और बहू से घर छोड़ देने की बात करते हैं। रविवार को बड़े बेटे सिद्धार्थ के साथ विवाद हुआ था, जिसके बाद राजकुमार दुबे ने फायर करना शुरू कर दिया। DCP प्रमोद कुमार का कहना है कि राजकुमार का अपने बेटे सिद्धार्थ से विवाद हो रहा था, बहू को लेकर भी कुछ विवाद था। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जब उसे काबू करने की कोशिश की तो उसने फायरिंग कर दी। ये राजकुमार दुबे हैं, इनका अपनी जो बहू है और बेटा है सिद्धार्थ और जो भावना है, उनके साथ पहले से विवाद था, लगभग 3-4 महीने से चल रहा है और आज भी शायद उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा है। उस पर इनके जो बेटे हैं उन्होंने सूचना दी कि हाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है। उस पर जब यहाँ लोकल जो चौकी इंचार्ज है वो आए यहाँ पे हिमांशु, साथ में और एक दो लोग आए, तो यहाँ पे जैसे ही वो आए तो उन्होंने फायरिंग अपनी चालू कर दी। फिर हम लोगों को और सब लोगों को पता चला लगभग 1 बजे के आसपास, तो हम लोग पूरी टीम के साथ आए, इनको समझाया बुझाया गया। अभी इनको हम लोग लेके गए, इनका जो मेडिकल और जो स्वैब वगैरह फॉरेंसिक की कार्रवाई वो सारी। कितने पुलिसकर्मी घायल हैं सर इसमें? देखिए पुलिसकर्मी अगर देखे जाए तो टोटल 3 घायल हैं। एक हमारा सब इंस्पेक्टर के हाथ में छर्रा लगा है और एक की उंगली में लगी और एक मामूली चोटें हैं सभी के। देखिए इनका ये लाइसेंसी इनके द्वारा बताया गया डबल बैरल का है, उसको भी हमने रिकवर कर लिया है और उसको भी हम लोग। अच्छा टोटल कितने फायर किए होंगे, कितनी देर चला? अभी हम लोग अंदर भी सर्च करा रहे और कई सारे हमें अभी कारतूस मिले भी हैं, खाली भी मिले हैं, जिंदा भी मिले हैं। और जो शुरू से लेकर लगभग 2 घंटे की कार्रवाई में इनके द्वारा कम से कम 30-40 राउंड चलाए गए थे, तो टोटल ये सारी। और कितने वेपन्स मिले हैं यहाँ पे घर पे? देखिए पता चला है कि इनके पास डबल बैरल का ही एक जो था लाइसेंसी हथियार था और एक इनके पास कोई रिवॉल्वर कही थी, लेकिन वो अभी मिली नहीं, हम लोग उसको ढूंढ रहे हैं। माना जाए प्रॉब्लम बहुत क्रिएट थी, अगर पुलिस पे हमला हो सकता जान अपने फैमिली में इनका डिस्प्यूट है, इनके भाइयों से भी कुछ प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, ये खुद शेयर का काम करते हैं और इनकी जो बहू है उनसे भी सर काफी मानसिक रूप से वो भी थे और इनका इलाज उलाज भी चल रहा था, तो एक बड़ी घटना होते होते टल गई है। जो मामूली चोटें सर सरेंडर किया है कि पुलिस ने गिरफ्तार किया इनको? आप लोगों ने देखा ही, हम लोगों ने उनको कैसे उनको परसुएट किया था, नेगोशिएट करके उनसे बातचीत करके सारी चीजें सॉर्ट आउट कराएंगे, उनको हम लोगों ने कब्जे में लिया और बाकी जो लीगल एक्शन हो गया।